हेलो पेरेंट्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, डियर मॉमीज, मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा अभी तक बैठना नहीं सीखा है तब आप अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जो नए मॉमीज हैं उनको नहीं पता कि बच्चा कब से बैठना स्टार्ट करता है, तो उनका मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि मैम, मेरा बच्चा कब से बैठना सीखेगा, मीन्स कौन सा मंथ होता है जब बच्चा बैठना स्टार्ट करता है। किसी किसी का मेरे पास ये कमेंट आता है कि मैम, मेरा बच्चा 8-9 महीने का हो गया है, अभी बैठना तक ही नहीं सीखा है, वो घुटनों कब चलेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से मॉमीज परेशान हो जाती हैं। और वाकई में जब बच्चा टाइम होता है जिसको जो प्रोसेस करने का वो नहीं हो पाती है, तो सबको प्रॉब्लम होती है, सबको चिंता होती है कि मेरा बच्चा ऐसा अभी तक बैठना नहीं सीखा है, अभी तक घुटनों के बल चलना नहीं सीखा, या अभी चलना सीखा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ अपनी वीडियो में कि आपके बच्चे के सही टाइम क्या है, सही मंथ क्या है जिसमें बच्चा बैठना सीख जाता है। अगर वो मंथ पास आउट हो गए, काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी आपका बच्चा अभी बैठना नहीं सीखा है, तो आप अपनी तरफ से क्या बेटर एफर्ट कर सकती हैं जिससे कि आपका बच्चा बैठना सीख जाए। देखिए, बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। पहले तो आप इस बात को ध्यान में बिठा लीजिए कि हर बच्चा, जो बच्चे होते हैं उसकी प्रकृति अलग होती है, नेचर अलग होता है, कुछ भी चीज़ को सीखने का, एक्टिविटी करने का। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे के साथ कंपेयर मत करिएगा कि उसका बच्चा चलना सीख गया, मेरा बच्चा अभी बैठना भी नहीं सीखा। हर बच्चे की अपनी अपनी अलग फुर्ती होती है, स्टैमिना होता है, हर चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ देरी से सीखते हैं, कुछ मीन्स आराम से चलना सीख जाते हैं। तो हर बच्चे की प्रकृति, नेचर अलग अलग होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि कौन से महीने से बच्चा एक्चुअल में बैठना सीख जाता है। देखिए, कुछ बच्चे तो बड़ी जल्दी सीखते हैं, वो है 4वें और 5वें महीने से बच्चा आराम से बैठना, हल्का हल्का बैठना सीख जाता है, प्रॉपर तरीके से नहीं, बट आप अगर कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे, तो वो आराम से थोड़ा थोड़ा बैठना सीख जाता है। ठीक है, और सही तरीके से 5वें, 6वें, 7वें महीने में बच्चा आराम से अपने आप बैठ जाता है, करवट भी मारने लगता है, और करवट मारकर अपने आप ही वो बैठ जाता है। ठीक है, तो 4वें महीने से लेकर 7वें महीने तक बच्चा आराम से बैठना सीख जाता है। अगर इस महीने के इतने महीने हो चुके हैं लेकिन फिर भी आपका बच्चा अभी बैठना नहीं सीखा है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ बेसिक्स एफर्ट्स करने हैं, लेकिन आपको वो रेगुलर करने पड़ेंगे, खुद से करने पड़ेंगे, तब आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से बैठने लग जाएगा। वो एफर्ट्स क्या है, देखिए, सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने काम के शेड्यूल में इतने बिजी होते हैं, या हम जो मदर हैं, फादर हैं, दोनों वर्किंग हैं, अकेले हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, और कोई भी फैमिली में नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे में हम अपने बच्चे को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मसाज वगैरह भी नहीं हो पाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे की मसाज ज़रूर करें। ठीक है, आप अपने बच्चे की जितनी अच्छी मसाज करेंगे, उसके मालिश करेंगे, उसकी लेग्स की, उसकी हिप्स की, उसकी नेक की, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बैठाना सिखा रहे हैं तो उसकी नेक भी स्टेबल होनी चाहिए। कुछ बच्चों की नेक हिलती रहती है, देखिए ये भी बहुत डेंजरस होती है। अगर आपके बच्चे की नेक प्रॉपर मूव कर रही है, वो स्टेबल नहीं है, तो बच्चे की हंसली चली जाती है, कॉलर बोन चली जाती है, और बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे की। या क्या होता है कि बच्चे की गर्दन एक तरफ झुकी रहती है, या तो बच्चा आगे झुका के रखता है, या पीछे, या फिर इस तरीके से, तो ये भी गलत है। तो बच्चे की आपको नेक को भी स्टेबल करना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने बच्चे की मसाज बहुत अच्छे से करें, आप बच्चे के पीछे बैक बोन से अच्छे से मसाज करें। मसाज बहुत ज़रूरी है, मालिश बहुत ज़रूरी है, उससे ब्लड सर्कुलेशन होता है, मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और जितने बच्चे की मसाज होगी, बच्चा अच्छी तरह से चलना, बैठना, उठना सब सीखेगा। तो ये ध्यान में रखना है, मालिश बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपने बच्चे को धूप ज़रूर दिलाएं, सुबह सुबह की धूप अपने बच्चे को आप ज़रूर दिलाएं, बच्चे की हड्डियाँ मजबूत बनती हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है, आपने देखा होगा बच्चों को साइकिल वाली एक्सरसाइज बहुत पसंद है, बच्चे खुद अपने पैर चलाते हैं ना, इस तरीके से वो पीठ के बल लेटे हुए होते हैं और अपने पैरों को चलाते हैं, तो अपने बच्चे को साइकिलिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है वो करवाएं। बच्चा खुद से तो करते ही, जब बच्चा खेलता है या बच्चा रोता है तो वो खुद साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज सेल्फ करता है। अगर आप मालिश कर रहे हैं अपने बच्चे की, तो मालिश करते समय आप बच्चे की दोनों लेग्स उठाइए और इस तरीके से आगे पीछे अपने बच्चे के पैरों को इस तरह से करिए। तो ये वाली एक्सरसाइज आप अपने बच्चे को ज़रूर करवाइए।
तीसरा, आप अपने बच्चे को टमी टाइम दीजिए। टमी टाइम से बच्चा बहुत जल्दी घुटनों चलने भी सीखता है और बहुत जल्दी वो पलटना भी सीखता है और बैठना भी सीखता है। टमी टाइम क्या होता है कि आप अपने बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए, खुला एरिया ले लीजिए, आसपास साफ़ सुथरा एरिया हो, फर्श पर आप लिटाइए, फर्श पर लिटा दीजिए, कुछ बिछा दीजिए जिससे कि अगर बच्चा गिरता भी है तो उसके सर वगैरह में चोट ना लगे, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और उसे टमी टाइम दीजिए, पेट के बल लिटा दीजिए और यहाँ पर इस जगह पर जो बच्चे का नेक वाला एरिया होता है, चेस्ट होती है, वहाँ पर कोई पिलो या कोई गुदगुदा सामान तकिया वगैरह लगा दो जिससे कि उसका मुँह फर्श में ना लगे और उसको चोट ना लगे। तो वो बार बार इस तरह से गर्दन उठाएगा तो उसकी गर्दन में स्टेबिलिटी आएगी, गर्दन स्टेबल होगी। और टमी टाइम देने से क्या होगा, बच्चा पलटना भी आराम से सीखता है और फिर वो बैठने की भी कोशिश करता है, घुटनों को आगे की तरफ फोल्ड करेगा और बैठने की भी वो कोशिश करता है और कुछ ही वीक में आप देखोगे कि वो बैठना अपने आप सीख जाता है। तो टमी टाइम बच्चे को देना बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे का पेट भी सही रहता है टमी टाइम देने से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करके देखिए, अपने बच्चे को ये भी आपको करवाना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि बच्चे को फ्रॉग स्टाइल में बैठाइए। फ्रॉग स्टाइल जैसे फ्रॉग होता है ना, जिस तरीके से बैठा रहता है उस तरीके से आप अपने बच्चे को बैठाइए तो उससे भी बच्चा घुटनों चलने में भी आसानी रहती है, क्योंकि वही उसके कुछ टाइम जैसे बच्चा बैठना सीखता है उसके कुछ टाइम पीरियड बाद ही वो घुटनों के बल चलना भी सीखता है। तो वो दोनों में ही मीन्स आसान रहेगा और आपके बच्चे के लिए भी अच्छा रहेगा। तो फ्रॉग स्टाइल आप अपने बच्चे को जरूर बैठा के उस स्टाइल में ज़रूर बैठाइए तो बच्चे को बैठने में आसानी रहती है। इसके अलावा और क्या करें कि जिस तरह से आप बैठिए ऐसे आप अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठा लीजिए, जैसे आपका फेस है वैसे ही बच्चे का फेस सामने रखिए और इस तरह से उसको सपोर्ट दीजिए, उसके चेस्ट पर ऐसे हाथ रख लीजिए और सपोर्ट देकर ऐसे थोड़ी थोड़ी देर अपने पास अपने बच्चे को ज़रूर बिठाइए, गोदी में बिठाइए, तो उससे भी बच्चा बैठना सीखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी गोदी में भी बिठाकर अपने बच्चे को बैठाना सिखा सकती। उससे क्या हुआ कि बच्चे के जो हिप्स पर जब वजन पड़ता है तो हिप्स मजबूत होते हैं उसके बच्चे की। ठीक है, और जो नेक है, नेक बच्चे किस तरह से हिलती रहती है आगे पीछे आगे पीछे, उसमें भी स्टेबिलिटी आती है। तो आप अपने बच्चे को गोदी में बिठाकर भी ये काम कर सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप, अपने बच्चे को कोई भी बेड लीजिए, सोफ़ा लीजिए, जो भी बेड है वहाँ बिठा दीजिए या ज़मीन पर बिठा दीजिए और बच्चे के चारों तरफ आप तकिया, पिलो या जो भी सॉफ्ट है वो सारी सराउंडिंग में, बच्चे के कम से कम यहाँ यहाँ तक जो बच्चे का पेट है वहाँ तक। ठीक है, तो बच्चा आराम से बैठा रहेगा, अगर वो गिरेगा भी ना तो उसके चोट नहीं लगेगी और बड़े आराम से वो उसमें काफ़ी देर तक बैठा रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो चारों तरफ उसकी बाउंड्री बना दीजिए, पिलो वगैरह लगा कर चारों तरफ उसके, तो बच्चा उसमें फिक्स हो जाएगा और उसके आगे आप टॉयज डाल दीजिए, कुछ भी उसका टैडी बियर जो भी है जो जिससे बच्चा खेलता है वो डाल दीजिए, बच्चा बहुत इंजॉय करता रहेगा और खेलता रहेगा और उसकी जो सिटिंग की है वो भी एक्सरसाइज रहेगी। धीरे धीरे स्टैम को बढ़ाइए, आप देखेंगे कि बच्चे को विद इन 2-3 वीक में बैठना आ जाएगा। जो भी ये स्टेप मैंने बताए आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपका बच्चा डेफिनेटली बैठना सीख जाएगा प्रॉपर तरीके से। घबराइए मत, अगर आपका बच्चा लेट हो गया है, बैठना नहीं सीखा है तो सीख जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, तो माय डियर मॉमीज, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरे सजेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।